आप सभी पार्टिसिपेंट्स को जय भीम, नमो बधाई, और सब सुनने वालों को भी। तो 1978 एक बहुत ही बदलाव लाने वाला दिन रहा हमारे लिए, क्योंकि बाबा साहब की जो रोशनी, बाबा साहब नाम का दीपक जो था, वो उस दिन के बाद देश में हर घर में पहुंचना की शुरुआत हो गई। तो 1978 का जो सम्मेलन था आम सेब का, वो मैंने पार्टली अटेंड किया था, क्योंकि बीच में हम एक दिन आगरा निकल गए, फैमिली समेत थे। लेकिन जो कुछ वो देखा, उसका उद्घाटन और उसका जो सारा का सारा संचालन, जो कार्यक्रम, वो बहुत ही एक तरह से हमारे लिए सरप्राइजिंग और बहुत बढ़िया, ऐसा कभी नहीं देखा था। तो जिन लोगों ने भी उसको देखा, उसने सराहा, उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सके। तो वो एक बीजारोपण है, क्योंकि जो बाबा साहब ने खेत तैयार किया था, उसमें उस दिन से वो बीजारोपण शुरू हो गया, और उसका बीजारोपण की आज फसल काफी उग चुकी है, काफी बड़ी हो चुकी है, उस पे फल लग चुके हैं। वो कोई अलग बात है कि भी उस पेड़ को काफी हानि पहुंचाई जा चुकी है। ये वैसा ही जी हुआ है जैसे बुद्धा के समय, बुद्धा ने क्रांति की, और उस क्रांति को पुष्यमित्र ने सारी क्रांति को प्रतिक्रांति करके सारी को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हमारे एक दूसरा युग आया, जिसको भक्ति युग कहा जाता है। हालांकि वो भक्ति युग नहीं था, वो एक विद्रोह युग था, लेकिन वो दूसरे टाइप का था। लेकिन अब जो बाबा साहब ने सारा कुछ मेहनत की, उस मेहनत का जो फल ये 1978 के बाद शुरू हुआ। अभी इस 1978 के उपलक्ष्य में एक और हमारे साथी जो आज अभियान शुरू किया है, मिस्टर चंद्रशेखर रावण ने, उन्होंने जी इसके नाम से एक अभियान शुरू किया है, मिशन 78। यानी ये 78 का नाम ऐसे उपजा, ऐसे उभरा कि इस नाम से वो मिशन 78 शुरू कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये 1978 का वर्ष और ये दिन हमारे लिए बहुत ही बड़े क्रांतिकारी और एक बदलाव की शुरुआत है। उसके बाद हमारे 1981 में चंडीगढ़ में थर्ड अधिवेशन हुआ था, 5 दिन का। वो मैंने हालांकि यहाँ 78 में भी हम विद फैमिली थे, लेकिन 81 वाला अधिवेशन हमने विद फैमिली पार्टिसिपेट किया, और उसमें हमारी स्पीच भी है जो कि काफी मतलब ठीक ठाक बन पड़ी। इतने बड़े शो में, इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने पहली बार बोलने का ऐसा मौका मिला, और उसके बाद तो हमारी शुरुआत ही होगी। और उसमें हम इतने प्रभावित हुए कि माननीय कांशीराम जी से हमने समय लिया कि जी आप हिसार हमें केडर कैंप का समय दीजिए। उस समय मतलब कोई कार वगैरह, गाड़ियां वगैरह तो कांशीराम जी के पास नहीं होती थी। वो 1981 में हमने हिसार उनका 3 दिन का केडर कैंप रखा, वो बस से ही आए, मैंने स्कूटर से उनको पिकअप किया और वो केडर कैंप लिया। और उस केडर कैंप के बाद हम तो शुरुआत से उस टाइम से लगे हुए हैं, और दिमाग में उसका एक जज्बा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो इतना हुआ कि जब मेरी 20 साल की पूरी सर्विस हुई एज ए जूनियर इंजीनियर, 1988 में मैंने सर्विस से रिटायरमेंट लेके और इस काम में लग गए। और आज मैं कह सकता हूँ, अगर ये 1978 मानेवर कांशीराम जी और ये दिन ना आता, तो बाबा साहब ने जो सारा कुछ हमें संविधान में दिया या सभी आंदोलनों के तहत दिया, शायद वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता। आज कम से कम, चाहे आंदोलन किसी रूप में चल रहा है, विभाजित हो गए हैं और कुछ हो गया है, लेकिन घर घर में बाबा साहब के नाम पहुंच गया है, और बाबा साहब ने आज उस नाम ने और इस आंदोलन ने और बाम सैफ ने पूरे देश के ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को हिला दिया है, और ये एक भय पैदा कर दिया है जो ये आज की सत्ता भय बना के रखे हुए हैं कि दोबारा से मनुवाद का कहीं उसी रूप में लाना चाहते हैं। लेकिन ये बाबा साहब का नाम और ये बामसैप 1978 में जो शुरुआत हुई थी, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब ये संघर्ष है दोनों व्यवस्थाओं में, इस श्रमण व्यवस्था जो हमारी बुद्धा की व्यवस्था, जो बाबा साहब ने जी उसको, जो कांशीराम जी ने शुरू की, जो बामसैप ने चलाई, और जी वैदिक सभ्यता में। इससे पहले, क्योंकि हमें बाद में जानकारी मिली सारी के बामसैप में आने के बाद कि दक्षिण भारत जो है वो ऑलमोस्ट पहले से तैयार था, वहां मूवमेंट्स बहुत चली हैं, लेकिन उत्तरी भारत इससे आमतौर पर वंचित रहा। जो 1978 का दिल्ली में अधिवेशन हुआ, उसमें जे एंड के
स्पीकर थे विधानसभा के, और बहुत से वीआईपी थे, और बड़ी बहुत सी बातें हुई। उसका ढंग देखा, उसे एक जागृति आई। और 1981 से तो पूरे नॉर्थ इंडिया में जिन जिन हजारों लोगों ने इस अधिवेशन को देखा, उसके बाद ये इस अधिवेशन की आंच कह लीजिए या इसकी रोशनी कह दीजिए, वो नॉर्थ इंडिया की हर स्टेट में, हर जिले में, और उसके बाद उन वर्करों के माध्यम से घर घर पहुंच गया। जो हमारे जैसे अम्बेडकर साहब के स्पेलिंग नहीं जानते थे ढंग से, वो पूरी तरह से तैयार हुए। और इतना तैयार ही नहीं हुए, इसमें सबसे बड़ा सहयोग हुआ जो हमारी मैडम्स का, वाइफ्स का, घरवालियों का बहुत ज्यादा रहा। क्योंकि इतना घरों में आना जाना, मतलब वर्कर्स का और का, इवन मान्यवर कांशीराम जी जैसे मेरे अपने हिसार घर में एक बार ठहरे, एक बार मतलब वैसे दिवाली के दिन आए, और मायावती का तो आना जाना पूरा बना ही रहा। क्योंकि पहले मायावती जी को हरियाणा का इंचार्ज वो बनाना चाहते थे, लेकिन वो उसके बाद ऐसा संभव नहीं हुआ किन्हीं कारणों से। तो उस अधिवेशनों से पहले हम क्या होता था, हम सिर्फ रैलियां देखते थे पॉलिटिकल, और हमें नहीं पता था कि अधिवेशन होते क्या है। और ये अधिवेशन देख के, इसका तौर तरीका देख के, इसका ढंग देख के, पूरी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के उसमें और आस पास के हमारे लोग जो है बहुत ही हैरान हुए और प्रभावित हुए। और वो प्रभाव का ये प्रभाव हुआ कि घर घर फैलाव हो गया। उससे पहले ना हमें, क्योंकि उसमें देखिए कर्पूरी ठाकुर एक साधारण आदमी थे, धोती बांधे हुए थे, साथ में पासवान जी भी थे, उनकी सिंप्लिसिटी देखी, कर्पूरी ठाकुर जी से उनका उद्घाटन करवाया। उस समय बीवीएफ देखी कि ये बाम से वॉलेंटियर फोर्स के भी ये क्या होती है, झंडा रोहण हुआ, कितना बढ़िया इंतजाम चारों तरफ से था कि हर आदमी देख के हैरान होता था। उसमें देखिए एक सरदार जी आते थे, वो तीसरे चौथे दिन आए, वो जो ओपन एक होता था अधिवेशन, उसमें वो बोला, उन्होंने बोला, ही वॉज द फर्स्ट एमबीबीएस डॉक्टर ऑफ पंजाब बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। और उसने इंग्लिश में अपना संबोधन दिया, उन साथियों को भी याद होगा। और ही वॉज सरप्राइज, ही वॉज इम्प्रेस्ड, और उन्होंने उसके बाद कितना योगदान दिया होगा वो हम महसूस कर सकते हैं कि पंजाब में जाके 1/3 पॉपुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट की है। और उससे पहले फूले जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार, इनके बारे में हम तो जान ही नहीं सकते थे, कभी नाम ही नहीं सुना नाम तो। और इन लोगों को घर घर तक, जबान जबान तक पहुंचा के इस देश में एक आंदोलन खड़ा कर दिया। जिन महापुरुषों को ये मनुवादी, ब्राह्मणवादी देखने को राजी नहीं, सुनने को राजी नहीं, किसी स्टेज पे उनके फोटो नहीं लगाते, इवन बाबा साहब के भी बाद में लगाने लगे हैं, तो इनको घर घर पहुंचाया। तो ये कांशी राम जी है जिन्होंने बामसाहेब बना के और इस देश में क्रांति का की शुरुआत कर दी। और ये क्योंकि दुश्मन जो है, विरोधी जो है, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, सदियों से ताकतवर है, सदियों से सभी साधनों को मलाई की तरह चाट रहे हैं, और इन बहुजन समाज को तो लस्सी भी नहीं मिलती, एक नसीब होती। लेकिन आज आने वाला समय डेफिनेटली, जो बाबा साहब ने कहा और जो कांशी राम जी ने सपना देखा, भले ही क्योंकि उसमें बहुत से रुकावट आई हैं, और वो रुकावट नेचुरली आएंगे ही कोई भी राइज करेगा तो। और इस समाज को तो कोई नहीं चाहता कि राइज करे, क्योंकि इससे उनकी कुर्सी हिलती है, उनके साधनों पर कुठाराघात पड़ता है। तो इसमें मैं एक चीज समझता हूँ कि भी जैसे फसल के साथ दूसरा हानिकारक घास पैदा हो जाता है, हानिकारक ही नहीं बीच में ही पैदा, मतलब उन्हीं लोगों में से हो जाता है। तो मैं इसमें जो विषय मित्र ने किया था, फिर मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि यहाँ भी जी हमारे अंदर से विषय मित्र पैदा होके इस आंदोलन को काफी हानि पहुंचाई। लेकिन क्योंकि हर आदमी जागृत हो चुका है, बेशक हम अब उतना बड़ा संगठन नहीं बना पा रहे और विभाजित हैं, लेकिन इसलिए 2 अप्रैल 1918 को दिखा दिया है कि हम क्या है। तो हमने पूरे ब्राह्मणवाद को हिला दिया है, और आने वाला समय बामसेफ के माध्यम से, बामसेफ अब हर आदमी की जबान पे है जो के बहुजन समाज से संबंध रखता है। और अब एक और खुशी की बात है, जो बैकवर्ड पहले बाबा साहब को नहीं अपना रहा था, इस बामसेफ का आज वो प्रतिफल हो रहा है कि बामसेफ अब पूरे के पूरे इसमें बैकवर्ड क्लासेस में भी अपना दखल हो रहा है उसका। वो बहुत, वो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं बाबा साहब के आंदोलन को, कांशी राम जी के आंदोलन को, और इस सारी उसको। तो अब ये भामसेफ एक ऐसा नाम हो गया है जैसे कि भी, जिससे मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को, या इसकी देश की गैर बराबरी जो व्यवस्था चल रही है, जिसके हम सताए हुए हैं और आज भी सताए जा रहे हैं, और जिस ढंग से आज हम मौजूदा हालात देख रहे हैं कि दोबारा से वो वही व्यवस्था लाना चाहते हैं, तो उसमें भामसेफ एक बहुत बड़ा रोड़ा ही नहीं,
हम सिर्फ एक आने वाले समय की एक धारा होगी, जो कि बहुत बढ़िया या सही धारा होगी, जो बाबा साहब ने सपना देखा, जब बाबा साहब ने संविधान में दिया है, या इसमें क्या बोलते हैं, बुद्धा ने शुरू की थी। और जी मान्यवर कांशीराम जी का उस समय एक तरीका होता था। देखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर मेला ऑन व्हील्स लगाते थे वो अपने उसमें, और उसमें जो उस समय शुरू से लेके पुराने समय से लेके उस समय तक जो जो भी समाज पे जुल्म ढाते जा रहे, जो जो भी शोषण के तरीके अपनाए जाते रहे, उनको पेंटिंग के ढंग से या राइटिंग्स पैम्फलेट वगैरह या जो भी वो बना के बड़े बड़े इश्तेहार उसके को डिस्प्ले किए जाते थे, उससे बहुत ज्यादा जागृति आती थी, और जो विरोधी लोग भी उसको देखने आते थे तो वो भी हैरान रहते थे। या इवन कोई भी, जैसे हमारे लोग कितने उस समय क्या क्या नहीं करते थे, इतने एक तरह से समर्पित होते थे, इतने डेडिकेटेड होते थे, ना दिन देखते थे ना रात देखते थे, और ऐसे ही उनके परिवारों का भी सहयोग उनसे मिलता था। पता नहीं ये नेचुरल क्या हो रहा था उस समय, जो कि आज वो मिसिंग है। आज के जमाने में वो मिसिंग है, नो डाउट, लेकिन आज के जमाने में वो दूसरा रूप ले रहा है। ये जो अभी आप टेलीफोन पे या इस के माध्यम से सारा कुछ हो रहा है, और आप MNT के माध्यम से जो सारे काम कर रहे हैं, अभी जो एडमिशन होने जा रहा है, मतलब इसमें आंध्र प्रदेश में, और अभी आंध्र प्रदेश नागपुर में में जो मीटिंग हुई थी इकट्ठा होने के लिए, तो ये बामसेफ की देन है। और हर साल इसका एक और रहा कि भाई हर साल या एक साल छोड़ के अधिवेशन होते रहे, लेकिन 21 में हमने थोड़ी सी जल्दबाजी कह लीजिए या कोई भी कह लीजिए, जल्दबाजी तो हमें थी क्योंकि इतनी बुरी तरह से दबाए जा रहे थे, तो 1981 के अधिवेशन के फौरन बाद DS4 बना दी, क्योंकि बाम साहब के जो कार्यकर्ता थे या जो इम्प्लाइज लोग थे वो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल से बंधे होते थे, तो उनके घरवालियां या घर वाले या बच्चे या और लोग वो उस आंदोलन में, ताकि वो भी कूदे जो बाम साहब के माध्यम से तैयार हुए हैं, तो DS4 बनाई। उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया नेक्स्ट स्टेप के लिए, क्योंकि सत्ता चाहिए, राजनीति के बगैर कुछ होता नहीं, जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं होगी तो हम वो बदलाव नहीं ला सकेंगे जो लाए जा सकते हैं। तो 1981 में DS4 बनी, और उसके 3 साल बाद ही एक वो पावर को प्राप्त करने के लिए, पावर उसकी तरफ जाने के लिए, क्योंकि सत्ता की तरफ जाने के लिए 1983 में पार्टी बन गई। लेकिन जी अधिवेशनों का उस समय रूप दूसरा कुछ बदल गया, बाम साहब का रूप दूसरा बदल गया, बाम साहब के कार्यकर्ता भी कुछ उधर शिफ्ट हो गए, उनकी भी चाहत कुछ पॉलिटिकल हो गई, तो उससे एक अंतर पड़ा। शायद बिल्कुल अगर वो कुछ बिल्कुल दिन और चलता बाम साहब का यही स्वरूप तो बात कुछ और होती। खैर, वो तो बीती गई बात हो गई है, लेकिन आज फिर दोबारा से कांशीराम जी के जाने के बाद वो गए या उनको साथ क्या हुआ, वो एक अलग कहानी है। अब ये समाज की ड्यूटी बनती है कि जो हुआ उसको अब दोबारा से जिंदा करना है, वो फोर्सेस काम कर जी रही है, और जो आज बाम साहब काम कर रही है उससे हमारा उम्मीद है, और उसके साथ दूसरी भी बाम सैपे हैं जो घर घर इस आंदोलन को पहुंचा रही हैं। तो आने वाला जी समय, जी जी हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, हो सकता है हम भी उस दिन देखने को जीवित रहेंगे, ये सारे बुजुर्ग साथी हैं। बहुत तेज तो उस समय हमारे में जज्बा था, लगन थी, डेडिकेशन था, त्याग था, तो आज ये आप इस पे इस टॉपिक पे बात हो रही है। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जनजागृति की मुहिम में जुड़े रहें।